अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ूफ़ीज़ कुकिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और आप सब की दुआओं के साथ मैं भी अच्छी ही हूँ। तो एक बार फिर हाज़िर हूँ और आप सबके लिए लाई हूँ एक और नई वीडियो। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि होममेड कैपेचिनो कॉफ़ी कैसे बनाई जाती है। बहुत ही आसान है इसे बनाना और बिल्कुल कैफ़े जैसी टेस्ट की आपकी कॉफ़ी बनेगी और बहुत ज़्यादा मेहनत भी आपको नहीं करनी है। बहुत देर तक उसे फेंटना नहीं है, घंटों हमें उसे फेंटना नहीं है, बस 5 मिनट लगेंगे और 5 मिनट में हमारी कॉफ़ी हो जाएगी तैयार। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में और देख लेते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इस होममेड कैपेचिनो कॉफ़ी की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा भगोना ले लिया है चाय वाला। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 बड़ा कप भर के दूध। 1 बड़ा कप भर के मैंने इसमें दूध डाल दिया है। अब बस लो फ्लेम पर हमें गैस को ऑन करना है और लो फ्लेम पर हमें दूध को गर्म होने देना है, अच्छे से उबलने देना है। तो दूध को हमने गर्म होने रख दिया है। अब हमें लेनी है एक बोतल। तो यहाँ पे मैंने एक कांच की बोतल ले ली है, ये दूध वाली बोतल है जिसमें दूध मिलता है। तो इस बोतल को अच्छे से धो लिया है मैंने। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 से 3 चम्मच भर के चीनी और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉफ़ी। तो ये कॉफ़ी भी चली गई इसके अंदर। और अब हमें इसमें डालना है 2 से 3 बड़े चम्मच गुनगुना पानी। अब हमें क्या करना है, बॉटल का ढक्कन करना है अच्छे से बंद और अच्छे से बंद करने के बाद अब हमें इसे शेक करना है। खूब अच्छे तरीके से हम इसे 4 से 5 मिनट तक शेक करेंगे तो बहुत अच्छी सी हमारी कॉफ़ी जो है रेडी हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं इसका जो कलर है डार्क ब्राउन कलर है। अभी हमें इतना इसे हिलाना है कि ये बिल्कुल जो है वाइट कलर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कॉफ़ी, चीनी और गर्म पानी को अच्छे से फैट लिया है और ये देखिए इसका कलर बिल्कुल लाइट हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे निकालना है 1 कप के अंदर और दूध भी हमारा अच्छे से उबल चुका है और अभी भी लो फ्लेम पर दूध हमारा उबल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे 1 कप के अंदर। तो यहाँ पे हमारा दूध भी अच्छे से उबल रहा है, गैस को कर देंगे हम बंद और गरम गरम दूध को अब कप में ट्रांसफ़र करेंगे। और 1 चम्मच से इस तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये कॉफ़ी हमारी हो गई है रेडी। अब बिल्कुल इसे हम कैफ़े जैसा लुक देने के लिए हमने क्या किया है, एक पेपर पे हार्ट शेप कट कर लिया है और ऊपर से हम इस पर छिड़केंगे एक छन्नी में करके कोको पाउडर। इसको बिल्कुल आराम से इस पेपर को हम हटा देंगे। तो ये लीजिए हमारी जो है कॉफ़ी बिल्कुल बनके तैयार है और बढ़िया सा इस पे मैंने हार्ट बना दिया है। आप इस पे चाहें तो कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं, स्टार काट के स्टार बना सकते हैं, मून बना सकते हैं, जो आपका मन करे। तो हमारी कैफ़े जैसी कैपेचिनो कॉफ़ी, होममेड कैपेचिनो कॉफ़ी बनके तैयार है। बिल्कुल ज़बरदस्त सी कॉफ़ी बनी है ये। तो आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी कैपेचिनो कॉफ़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं या पहली दफ़ा मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी नई नई वीडियो की अपडेट आपको मिलेंगी सबसे पहले। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।